अब यहाँ से हम चल रहे हैं आगे, जहाँ पर है चंद्रा और भागा नदी का संगम, फिर वो बनती है चंद्रभागा। तो वो इस पॉइंट से, अटल टनल के एंड पॉइंट से, वो जैसा एक अंकल ने बताया 20 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो अब हम देखते हैं वो कितना है और चलते हैं वहाँ पहले। चले चलो, वेलकम टू ओल्ड स्ट्रीट स्टोरीज मॉन्गर। अभी हम जा रहे हैं तांदी विलेज, जो कि यहाँ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए हरिद्वार के जैसा है। तो तांदी ही वो विलेज है जहाँ पर चंद्रा और भागा नदी का संगम हुआ है, और तांदी विलेज है पट्टन वैली में। तो तांदी को खोजा था राजा राणा चंद राम ने, और ओरिजिनली इस जगह का नाम था चांदी, ऐसा बताते हैं। और धीरे धीरे फिर इसका नाम बदलते बदलते तांदी हो गया। आप तांदी तक बस भी ले सकते हैं, यहाँ लोकल बसेस भी चलती हैं, बट वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं चलती हैं, और यहाँ पर लोग साइकिलिंग करते हुए भी जाते हैं, और कुछ लोग तो पैदल भी जाते हैं। तांदी का मतलब होता है तन देही, मतलब शरीर का त्याग। तो यहाँ पर द्रौपदी ने भी अपने शरीर का त्याग किया था, और ऋषि वशिष्ठ का भी अंतिम संस्कार यही तांदी में हुआ था, इसलिए भी इस जगह का नाम माना जाता है कि तांदी ऐसे पड़ा। और अगर आपको पूरे व्यू इन्जॉय करने हैं ना, तो आप गाड़ी चलाने से अच्छा है पीछे बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चलाने वाला सब जगह नहीं देख सकता है, लेकिन आप जो पीछे बैठे हो आप चारों तरफ देख सकते हो। थोड़ी देर आप एक्सपीरियंस कर लो कैसा लग रहा है, पर आप पीछे बैठोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। चंद्रा और भागा से भी रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है, वो ये है कि चंद्रा थी चंद्र देवता की बेटी और भागा थे सूर्य देवता के बेटे। वो एक दूसरे को चाहते थे, और अपना दिव्य विवाह करने के लिए उन्होंने बारालूचा ला पास, मतलब जो यहाँ पर एक पास है बहुत जंस्कार माउंटेन रेंजेस में, एक बहुत हाई माउंटेन पे पास है ये, और इस पर चढ़ने का फैसला किया इन लोगों ने। और यहाँ से फिर वो दोनों विपरीत डायरेक्शंस में चले गए, और वहाँ से आकर वो तांडी में मिले, और फिर उनका वो दिव्य विवाह संपूर्ण हुआ। और ये अब हम आ गए हैं चंद्रा नदी और भागा नदी के संगम वाले स्थान पर। तो ये स्थान है तांडी गांव में, और ये तांडी गांव है मनाली से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूर। रमैया मनाली से आने में 2-2.5 घंटे लगे हैं। अब देखिए आप यहाँ पे, ये जो नदी है ये है चंद्रा, जो आपको ब्रिज दिख रहा है, इस तरफ से हम आए हुए हैं। और एक जो दूसरी नदी है वो है भागा। तो चंद्रा नदी आती है चंद्रताल से, और भागा नदी आती है सूर्यताल से, और फिर ये दोनों बनती है कंबाइन होकर चंद्रभागा। अभी यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी चल रहा है, यहाँ पे संगम स्थान है तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, और यहाँ बहुत पुराना शिव जी का मंदिर है। भैया ये शिव जी का मंदिर वो पुराना वाला यही है क्या, या वो आगे है, वो जो वहाँ पर आ गया ना। और अब हम चल रहे हैं भागा नदी वाले ब्रिज की साइड। अभी इतना पानी नहीं है यहाँ, बट बताते हैं पानी पूरा भर जाता है जब बारिश अच्छी खासी होती है। तो मैं आपको शिव जी का जो मंदिर है, जो पता नहीं कितने सालों पुराना है, वो दिखाता हूँ। और ये है वो प्यारा संगम पॉइंट, ये या वो वहाँ से भी वही चीज़ है, बट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये नदी आ रही है जो है, ये है भागा। और यहाँ पे भेड़ बकरियाँ, इनको यहाँ पे पाला गया है, तो बहुत खतरनाक दिख रही है तो बकरी। ये है वो मंदिर जो भी दिख रहा है आपको,
शिव जी का मंदिर, हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। ये सब था दोस्तों तांदी के बारे में, बहुत खूबसूरत जगह है ये। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, उस घंटे की बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस जब भी अपलोड हों तो आपको उस चीज़ की जानकारी हो जाए। और आने वाले वीडियोस में मैं अपने वीडियोस की क्वालिटी भी इम्प्रूव करूँगा, बस आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं शिशु लेक, शिशु हेलीपैड, ये दोनों एक ही जगह हैं, तो बस अब हम वहीं जाने वाले हैं। इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचें, हम यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं और फिर पहुँचते हैं वहाँ। मैगी खा लेगा बोलिए, हाँ मैं मोमोज खाऊंगा तो मैगी खा लेंगे। हाफ फ्राई करना है और हाफ स्टीम। हाँ अरे थोड़े बहुत खा लीजिए जाए कुछ, फिर निकलते हैं वापस होम स्टे की तरफ। होम स्टे, हाँ होम स्टे। ये जो दिख रहा है सामने स्पेस, ये है शिशु हेलीपैड।